इस्लाम को लेकर अपनी बेबाक राय रखने वाले वसीम रिजवी अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हिंदू बन गए हैं। जी हाँ, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। दासना मंदिर में पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उन्हें हिंदू धर्म ग्रहण कराया है। धर्म परिवर्तन के बाद रिजवी अब त्यागी बिरादरी से जुड़ेंगे। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह दासना देवी मंदिर में पूरे विधि विधान से रिजवी को हिंदू धर्म ग्रहण कराया गया है। उनका नया नाम अब हरबीर नारायण सिंह त्यागी होगा। धर्म परिवर्तन से पहले रिजवी ने कहा था कि नरसिंहानंद गिरी महाराज ही उनका नया नाम तय करेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत जारी की थी। इस वसीयत में उन्होंने ऐलान किया था कि मरने के बाद उन्हें दफनाने के बजाय हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि यति नरसिंहानंद उनकी चिता को आग देंगे। उनकी इस वसीयत ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। इस वसीयत के बाद वसीम रिजवी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने खुद की हत्या की साजिश की आशंका जताई थी। बता दें कि वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी। वसीम रिजवी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो तब भी सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने कुरान की आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी के बाद से ही अल्पसंख्यक संगठनों ने उनका जमकर विरोध किया था। वसीम रिजवी की किताब को लेकर भी देश में काफी विवाद खड़ा हो गया था। उनके हिंदू बनने पर बड़ी संख्या में हिंदू धर्मगुरुओं ने उनका स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर।